नमस्कार दोस्तों, बसंत प्रसाद गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक ड्रैगन फ्रूट है। तो चलिए आज हम इसी को बीज से ग्रो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बीज से ग्रो करने के लिए हम पहले काट लेते हैं। दोस्तों कट नहीं रहा है, रुकिए मैं थोड़ा देर में काट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये रेड पल्प वाला ड्रैगन फ्रूट है। इसमें जो काले काले आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यही बीज हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें से बीज निकाल लेते हैं इस चाकू की मदद से। ये दोस्तों देखिए, ये थोड़ा सा हमने पल्प निकाला, इसी में जो भी बीज है इसी में है। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। दोस्तों हम इस, ये देखिए हमने पल्प निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसमें से पल्प को और बीज को जो अलग किया जा सके। दोस्तों बीज को हम पल्प से अलग करने के लिए से क्या करेंगे कि हम इसे एक छन्नी में डाल करके, आप ये देख पा रहे हैं चाय की छन्नी, इसमें छन्नी में डाल करके और इस नीचे वाले कटोरी में पानी है तो हम इसे धो लेंगे। इसे जो सारा पल्प है वो धुल जाएगा और जो हमारे पास छन्नी में बीज बच जाएंगे। दोस्तों हमें इस तरह से इसे मसल मसल करके धो लेना है। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेंगे और इसे छान लेंगे। फिर अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है क्योंकि हो सकता है पल्प होने की वजह से बीज ख़राब भी हो सकते हैं। इसे फंगल इन्फेक्शन पौधे को लग सकता है, उसीलिए हम इसे अच्छे से बीज को साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, जितना हो सका हमने साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन बीजों को इस पेपर पर डाल करके सुखा लेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर हो तो बहुत अच्छा है। हम इस तरह से इसे थोड़ा सा फैला देंगे ताकि सूखने में आसानी हो और इसे हम थोड़े दिनों के लिए रख देंगे सूखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं ये बीज अच्छे खासे सूख गए हैं। चलिए दोस्तों हम इन बीजों को ग्रो कर लेते हैं। देखिए बीज इसमें चिपक गए हैं, उनको थोड़ा निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बीजों को हमने थोड़ा बहुत निकाल लिया है। इन बीजों को ग्रो करने के लिए आप ये पॉट देख पा रहे हैं, इसी में हमने अपने केले के बीज ग्रो किया था, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम पेपर से इस बीज को इसी में ही गिरा देंगे पॉट में। ये वही मिट्टी, हमने मिट्टी भी चेंज नहीं किया है। चलिए देखते हैं वो ग्रो करता है या नहीं। तो दोस्तों ये बीज देख पा रहे हैं, हमने इसमें जितने बीज हो सकें गिरा दिया है हमने इसमें ही। देखिए दोस्तों, इसमें बीज आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बीज गिर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं, ये दो दिन के बाद बीज इसमें ग्रो करना शुरू हो गए हैं। देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा होगा, यही बीज के जर्मिनेशन हो रही है इसमें। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, अच्छे खासे बीज चार दिन में ग्रो कर गए हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे हाउ टू ग्रो ड्रैगन फ्रूट फ्रॉम सीड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम तब बनाएंगे जब हम इन सारे बीजों को अलग अलग करके ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बसंत प्रसाद गार्डन चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।